ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। कल बहुत थक गए हैं लगता है, लोग आराम से आ रहे हैं धीरे धीरे। कल का कार्यक्रम आयोजन यहाँ का मोक्ष सप्तमी का कैसा रहा? अपने मुंह से हम तुम अपना थोड़ी बोलेंगे, है ना। तो अपन पुराने विषय पर आ जाएं, दो ही दिन हमारे पास, उसके बाद ज्ञानगंगा महोत्सव शुरू हो जाएगा, प्रवचन चलेंगे, जर्नल प्रवचन। दो दिन और अपन धर्म और आगम को समझ लेते हैं, है ना। आप चाहते हो कि यहाँ इस बार पर्यूषण कुछ नए अंदाज में होना चाहिए? बोलो इधर वाले। तो मैं अकेला करूँगा या तुम सब मिल के करोगे? नहीं, मैं अकेला नया अंदाज प्रस्तुत कर दूँ। अब वो अंदाज क्या होगा, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, पूर्ण प्राणपन से समर्पण होना पड़ेगा। एक अनूठी अदा में, जैसे कल लड्डू चढ़ा है, ऐसा ही एक अद्भुत ऐसा पर्यूषण पर्व हो कि जीवन भर आपको स्मरण में रहे, याद में रहे, वैसा अपन प्रयास कर रहे हैं। मेरी अपनी अभी प्लानिंग चल रही है, फिर अपन अरिहंत भगवान तो है नहीं, डिस्कशन होगा, फिर डिसीजन होगा, है ना, फिर आपके मंच पे आएगा। अरिहंत तो है नहीं अपन की बिना डिस्कर्स के दे दे। तो प्लानिंग अभी मैं कर रहा हूँ, सोच रहा था कि कुछ ऐसा चीज लाओ जो समाज में विस्मृत हो चुकी है, जो हमारे पूर्वजों की परंपरा रही वह खत्म हो गई है, उस परंपरा को 10 दिन जिंदा करो फिर से। ऐसा हम प्रयास करेंगे, अभी कुछ नहीं बताएंगे, पेपर आउट नहीं करेंगे। चलिए, अपना कल परसों अपना नाम अभिमुख का चला था, जिनेंद्र भगवान के अभिमुख होना है। तो 4 बातों से हो सकते हैं, पहला क्या, नाम, दूसरा स्थापना, तीसरा और चौथा भाव। समझ में आ रहा? किसी भी व्यक्ति से जुड़ना है तो 4 चीज़ें चाहिए, है ना। कोई भी अनजान व्यक्ति मिलता है तो पहले अपन क्या पूछते हैं, आपका नाम क्या है, है ना। फिर स्थापना, कहाँ स्थापित हो भाई, कहाँ रहते हो, है ना, तुम्हारा घर कहाँ है, क्या करते हो, तुम्हारी स्थापना क्या है, है ना। फिर द्रव्य, तुमसे रिलेटेड कितने कितने लोग हैं आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, सब पूछते ना, मम्मी पापा भाई बहन, ये द्रव्य होता है, समझ में आ रहा। और भाव का अर्थ होता है वह साक्षात, वो स्वयं, समझ में आ रहा। इनके बिना आप रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकते। तो जब संसार में जीने के लिए हमें ऐसे इन 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, धर्म कुछ नहीं होता है, केवल थोड़ा सा बदलना है। पानी कहीं अलग नहीं है, मछली कहीं अलग नहीं है, क्या बदलना है, थोड़ी सी, क्या बदलना है, तो दुर्भाग्य क्या बन जाएगा। हमें भी सोच बद जीना ऐसे ही है, लेकिन क्या बदलना है अपने को, थोड़ी सी सोच बदली कि नास्तिक का जीवन आस्तिक हो जाएगा, अधार्मिक का जीवन धार्मिक हो जाएगा, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाएगा, और जो अजैन की तरह जी रहे हैं, थोड़ी सी सोच बदलो जैन हो जाओगे। समझ गया, थोड़ा सा चेंज, ज्यादा नहीं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो बहुत बड़े काम नहीं करते हैं, काम वही करते हैं, उतना ही करते हैं, उनके करने का अंदाज अलग होता है। समझ में आ रहा? तो हम, धर्म कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा अंदाज बदल लेना है, तुम धर्मात्मा हो जाओगे। कोई बहुत बड़ी मेहनत का काम भी नहीं है, बहुत इजी है। तो जैसे आपको किसी व्यक्ति से जुड़ना है तो आपको 4 चीज़ें चाहिए, और वही मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि तुम्हें जिनेंद्र भगवान से जुड़ना है तो तुमको भी 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहली चीज कौन सी, दूसरा
तीसरा, चौथा भाव। यदि आपको किसी से दोस्ती करना है, उसके नाम को गाली दोगे तो दोस्ती चलेगी या बंद हो जाएगी? क्यों? उसको तो नहीं दे रहे ना गाली, किसको दे रहे हैं? नाम को। तो बोलो उस नाम से रिलेशन मेंटेन होंगे या नहीं? गाली दोगे तो डिस्टर्ब होंगे या नहीं होंगे? उसका नाम लेकर बुराई करोगे तो भी रिलेशन बिगड़ जाएंगे। वैसे ही जो हमारे जिनेंद्र भगवान के नाम को लेकर जिनेंद्र की बुराई करेंगे, उनसे विमुख जाएंगे, उनको पाप कर्म का बंध होगा, और जो सन्मुख आएंगे उनको पुण्य कर्म का बंध होगा। भगवान कुछ नहीं करेंगे, तुम लोग तो कर दोगे। अभी किसी की बुराई करो तो चल बेटा बाहरा, है ना? अपने भगवान ऐसा नहीं करते। समझ में आ रहा है? वो स्वतः हो जाता है। स्वतः कैसे हो जाता होगा? अपने आप कैसे हो जाता है? दिमाग लगा, थोड़ा सा लगा, ज्यादा नहीं, इतना सा दिमाग लगा, कैसे हो जाता होगा स्वतः? अरे भगवान का नाम अपमान करने से, देखो नाम का अपमान, द्रव्य का अपमान, स्थापना का अपमान, भाव का अपमान करोगे, पाप कर्म का बंध होगा, इनके अभिमुख रहोगे तो पुण्य कर्म का बंध होगा। वो अपने आप कैसे? भगवान कुछ नहीं करेंगे। यही तो अन्य दर्शन और जैन दर्शन में अंतर है। वहां सब कुछ भगवान करेंगे, अपने आप भगवान कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उनके बिना कुछ होगा भी नहीं। समझ में आ रहा? वो करेंगे कुछ नहीं, लेकिन उनके बिना। कल यहां मोक्ष सप्तमी हुई, मैंने क्या किया? पंडाल इनने लगाया, लड्डू इनने बनाए, सिर पे लड्डू का थाल लेके महावीर घूमे, है ना? सब मेहनत इनने की, सजाया इनने, पालकी इनने बनवाई, मैंने कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया। क्या मेरे बिना ये कर सकते थे? नहीं कर सकते थे ना। समझ में आ रहा? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो आके यहाँ बैठा, जैसा यहाँ बैठा वैसा वहाँ बैठ गया, तो फर्क क्या पड़ा था? समझ में आ रहा? मेरा काम तो बैठना था, मेरी उपस्थिति मात्र से उत्सव महोत्सव बन गया। जिनेंद्र की उपस्थिति मात्र से हमारा दुखी जीवन सुखी बन जाता है। वो करते कुछ नहीं। समझ में आ रहा? कुछ भी नहीं करते। तुम लोग बताओ, मैं हूं इसलिए यहां बैठे हो कि रोज बैठते हो? मैं तुम्हें घर से बुला के लाया, जबरदस्ती लाया? मेरे बैठने मात्र से ये सब आ गए कि नहीं आ गए? हमने कोई पुरुष, हम तो बोलना है हमारा काम, तो समझ में आ रहा? आना नहीं आना, बुलाना, ये सब मेंटेन करना, ये तो तुम्हारा काम है, लेकिन ये काम आप मेरे बिना नहीं कर सकते थे। वैसे ही भगवान कुछ भी पाप पुण्य नहीं देता है, लेकिन उनके बिना मिलता भी नहीं है। क्लियर हुई बात? कोई शक, कोई डाउट? बोलो। मैं मानता हूं कि जिनेंद्र भगवान कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये भी पूरी निष्ठा से मानता हूं कि उनके बिना भी मेरा कुछ नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा? इस बात से सहमत है कि नहीं है? भगवान के नाम का अपमान करने से आपको पाप लगेगा और बहुमान करने से पुण्य लगेगा, क्या इससे आप सहमत हैं या नहीं? इसको ही बोलते हैं नाम अभिमुखता। समझ में आ रहा? जैसे एक दर्पण होता है ना, उसकी तरफ मुख करो तो दर्पण क्या दिखाता है? चेहरा दिखाएगा। और विमुख हो जाओ तो क्या दिखाएगा? पीठ। समझ में आ रहा? दर्पण कुछ कर रहा है या आप कुछ कर रहे हैं? एक्शन कौन बदल रहा है? बदलते हैं ना। आज छोरों को देखना, नए नए साल के जो होते हैं जवान, ये हेयर स्टाइल, ये हेयर स्टाइल, वो महिलाएं कभी दर्पण में अकेली बैठी हों, ऐसा मुंह बनाएंगी, ऐसा ओठ घुमाएंगी, ऐसे आँख करेंगी, ऐसा वो करेंगी, ऐसी नाक करेंगी, अकेली बैठी हों, जब देखना कितना पागलपन होता है दर्पण के आगे। नहीं, तुम भी कम नहीं हो, तुम भी यही करते हो।
मेरा आँख ऐसा होता तो कैसा लगता, मेरी नाक ऐसी होती तो कैसा लगता, मेरा मुंह फूला होता तो कैसा लगता, फिर ओंठ घुमा लेंगे, फिर आँखें चढ़ा लेंगे। दर्पण के सामने बेवकूफ़ी करते हो कि नहीं, बोलो। अंदाज आईने में अपने देखता है वो, बहुत अच्छा शेर है, अंदाज आईने में अपने देखता है वो, और ये भी देखता है कोई देखता ना हो, और ये भी देखता है कोई देखता ना हो, तब ओरिजिनलिटी वो है तुम्हारी दर्पण देखने की। ए हेयर स्टाइल ऐसे, बाल हो तो कैसा, ऐसा हो तो कैसा, समझ में आ रहा। तो सारे एक्शन आप कर रहे, दर्पण नहीं कर रहा, समझ में आ रहा। आप जो प्रस्तुत कर रहे हैं वही दिखेंगे। तो जिनेंद्र भगवान के सामने आप जिस तरह से प्रस्तुत होंगे वैसा फल प्राप्त होगा, समझ में आ रहा। देवसाज गुरु के सामने क्लियर हो रही है बात, नहीं हो रही। यद विद्या दर्पणायते, दर्पण के समान भगवान जो दिखाओगे वही दिखे, जो तुम, वो दर्पण नहीं दिखाएगा, जो तुम देखना चाहोगे वही दिखेगा। तो जिनेंद्र भगवान के नाम से आप जो चाहोगे वह प्राप्त होगा। यही नाम नरक भी ले जा सकता है, यही नाम स्वर्ग ले जा सकता है, और यही नाम अभिमुखता तुम्हें निर्वाण को प्राप्त करा सकती है। बस नाम तो नाम है, समझ में आ रहा, क्लियर हो रहा। आप बोर तो नहीं हो रहे ना, हैं? बोलो ना, बोर होते तो आज आते काहे को, हम आ रहे हैं इसका मतलब बोर नहीं है ना। अभी तो औरंगाबाद में बोर नहीं, शोर चल रहा है, समझ गए, पर्यूषण चतुर्मास का शोर चल रहा है। एक बात बताओ, चार प्रकार के मैंने बताए, नाम, स्थापना, द्रव्य, इसको याद रखो। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? नाम, स्थापना, द्रव्य, चौथे नंबर पे क्या है? भाव। समझ, महत्वपूर्ण। भाव से आप क्या समझते हैं? नो, भाव यानी, देखो अर्थ नहीं जानोगे तो अनर्थ होगा। भाव निक्षेप क्या होता है? भाव मंगल क्या होता है? हर आदमी भाव का अर्थ समझता है विचार, परिणाम, भावनाएं, उसको भाव नहीं कह रहे, वो भाव नहीं होता, यहां उसकी बात हो ही नहीं रही है, समझ में आ रहा है। एक नाम का भगवान, एक स्थापना का भगवान, एक द्रव्य का भगवान, और एक भाव का भगवान। भाव का भगवान कौन? ये तीनों चीजें चौथे से रिलेटेड हैं, समझ में आना। तीनों का संबंध किससे है? भाव क्या? सबसे पहले कौन सा मिलता है, भाव या द्रव्य? नाम क्या मिलता पहले? नाम नहीं मिलता, ये तो उल्टा है, इसको उल्टा समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा संपर्क भाव से होता है। किससे होता है? भाव यानी भावनाएं नहीं, थॉट नहीं, समझ में आ रहा, विचार नहीं, परिणाम नहीं। भाव का अर्थ एक ही चीज लगा लो, साक्षात। साक्षात जानते हो आप? मेरे, मैं आपके साक्षात बैठा हूं, आप मेरे साक्षात हैं। साक्षात नहीं होंगे तो नाम कैसे पूछोगे? बोलो, महत्वपूर्ण कौन सा हो गया? भाव का परिणाम नहीं लगाना, क्या लगाना? दिमाग में लिख लो, भाव यानी साक्षात, जीवंत, मौजूद, समझ में आ रहा, आंखों के सामने। तभी तो नाम पूछोगे ना, आपका नाम जब आप मौजूद ही नहीं तो नाम कैसे पूछोगे? पूछ सकते हैं? जब मौजूद ही नहीं तो हम आपका धाम कैसे पूछेंगे, हम आपका काम कैसे पूछेंगे? जो कुछ भी पूछेंगे जीवंत से ही पूछेंगे ना। है? लड़की देखने जाते हो तो पहले नाम पूछते हो कि साक्षात लड़की देखते हो? है? उसके बाद आगे की स्टोरी चालू होती है, समझ में आ रहा। भाव का अर्थ होता है साक्षात।
अब देखो भाव जिनेन्द्र कौन होते हैं, जो समो शरण में बैठे हैं, वो कौन से जिनेन्द्र हैं? भाव जिनेन्द्र। नहीं आ रहा? मैं ये मेरी फोटो लगी है, ये कौन सा मुनि है? स्थापना तस्वीर है ना, और मैं यहां कौन सा हूं? भाव जीवंत। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? यदि मैं जीवंत मुनि नहीं बनता तो स्थापना आती? बोलो, ये नाम आता? नहीं आता। तो महत्वपूर्ण क्या हो गया? भाव निक्षेप। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? भाव यानी साक्षात। मराठी में क्या बोलते साक्षात? प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष। समझ, जो तुम्हारी भाषा में हो है ना, प्रत्यक्ष सामने जीवंत साक्षात आंखों को दिख रहा हो वो भाव होता है ना। मेरे तो उससे भाव जुड़ गए। फोटो से जुड़ते कि जिंदा से है? जिंदा से जुड़ते ना। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया? अब भाव से यदि लगन लग गई जीवंत से, तो उसके द्रव्य से लगन लगेगी कि नहीं? बोलो। नहीं लगेगी। द्रव्य यानी क्या हो गया है? द्रव्य यानी रिलेशन नहीं। हाँ, रिलेशन ही है, थोड़ा स्पष्ट करो। द्रव्य भाव से यदि आप उसके जुड़ गए तो द्रव्य से जुड़ाव होगा या नहीं? द्रव्य क्या क्या है? नहीं, गृहस्थी में लगाओ, एकदम से पीछे कमंडल क्यों पकड़ रहे? अरे द्रव्य लगाओ ना, द्रव्य में लगा लो। मान लो तुम्हें किसी से लगाव हो गया, उसके कपड़ों से लगाव होगा कि नहीं है? बोलो बोलो। फूल दे दिया उसने, फूल से लगाओ कि नहीं? क्या करोगे उस फूल का? बोलो, कुचल के फेंक दोगे पैरों से? पैर, जब पैरों से फूल कुचलोगे तो ऐसा लगेगा कि उसका दिल ही कुचल रहा हूं मैं, है ना। फूल भी ऐसे संभालोगे, फूल तुम्हें भेजा एक फूल नहीं मेरा। बोलो, घबरा क्या रहे? मैं बोल रहा हूं, तुम्हें क्या दिक्कत है? कैसे रखते हो उसको? अब जमाना गया, अब तो वो हिंदी वाला फूल नहीं, वो इंग्लिश वाला पकड़ाती, फूल मेरे पीछे पड़ा फूल आदमी मूर्ख पागल। समझ में आ रहा? तो जिस भाव यानी साक्षात, भाव यानी आत्मा, भाव यानी प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष होता है और उससे यदि हमारा लगाव हो जाए तो उसकी चीजों से भी लगाव हो जाता। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे सूलों से भी प्यार, जो भी देना है सरकार। बोलते ना, तेरी हर चीज से प्यार। नहीं हो रहा क्लियर? हर चीज से प्यार। मालिक जो भी दे दे तू कर ले कबूल, और कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल। तेरा फूल भी चलेगा, तेरा सूल भी चलेगा। ये द्रव्य, ये द्रव्य, ये द्रव्य। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? बोलो। यदि आपको जिनेन्द्र से, साक्षात जिनेन्द्र से लगन लग गई, श्रद्धा हो गई, भक्ति हो गई, तो जिनेन्द्र से रिलेटेड जितने भी हैं उनसे प्रेम होगा या नहीं होगा? स्वाभाविक बातें बताओ, हो जाएगा ना? तो मूर्ति क्या है? किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? भाव से। भाव से यानी किसका रूप है? बोलो, साक्षात। इसलिए स्थापना पूज्य होगी या नहीं? होगी। मूर्ति पूज्य होगी या नहीं? होगी। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? क्लियर हो रहे? तो क्या ये भगवान ऋषभ देव, ये नाम भाव निक्षेप का है? किसका नाम है?
भाव का नाम है ना, साक्षात जो थे उनका नाम इंद्र ने क्या रखा था? ऋषभ देव। तो ये नाम किसका है बोलो? भगवान का। इसलिए अब उस नाम से प्रेम होगा कि नहीं बोलो? होगा ना। अब जब उनसे मेरे पाप साक्षात जिनेन से कटते हैं तो उनके सामान से भी कटेंगे, उनके नाम से भी कटेंगे, उनकी मूर्ति से भी कटेंगे। समझ में आ रहा? महत्वपूर्ण क्या है? भाव। महत्वपूर्ण क्या है? भाव को परिणाम मत लगाना। क्या लगाना? साक्षात। मैं यहां से चला जाऊंगा तो ये तस्वीरें आप घर में लगाते हो, उतना ही आदर करते हो जितना मेरा? क्यों क्यों? वो मेरी है। मैं आपको एक पेन देकर जाऊं, आदर से रखोगे या अनादर से? मैं अपनी पिच्छी बदलूंगा तुम्हें दे दूंगा, क्या उस पिच्छी को आप घर में आदर भाव से रखोगे, पूज्यता के भाव से रखो? क्या पिच्छी महाराज है? हैं? तो फिर उसे इतना सम्मान क्यों देते? ओके राइट, आ गया समझ में, है ना? क्योंकि किससे रिलेटेड है वो? मेरे से रिलेटेड ना। कभी जैसे तुम्हारा हमसे लगाव हो गया है, नहीं वो तुम जानो, तो कभी हमारे जन्म स्थान में जाओगे तो मन करेगा कि नहीं कौन सा घर था? है? क्यों? वो तो ग्रस्त का घर था। चलो बेलगांव जाते हैं, सदलगा जाते हैं, आचार्य श्री का घर देखने का मन करता है, क्यों? वो तो छोड़ चुके हैं, किससे संबंध था उसका? चलो ये तो हम साधारण लोग हो गए, जहाँ भगवान का जन्म हुआ उस जन्मभूमि में जाने का मन करता है कि नहीं? जहाँ से भगवान मोक्ष गए वहाँ जाने का मन करता है? सम्मेद गढ़ गिन रार चंपा पावापुर कैलाश को पूजो सदा चौबीस जिन निर्वाण भूमि। किसकी पूजा करता हूं मैं? भूमि की। भगवान की नहीं, किसकी अर्घ चढ़ा रहे? पूजो सदा चौबीस जिन निर्वाण भूमि निवास, है ना? भूमि भी पूज। क्यों हो गई पूज? क्योंकि इस पे तुमने अपने चरण रखे हैं। समझ में आ रहा? महाराज केसर से चरण पगलिया पाड़ दीजिए हमारे घर में। समझ में आ रहा? किससे? क्या वो चरण भगवान है? हैं? लेकिन क्या है? हैं? रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? भगवान से। उसको बोलते हैं द्रव्य मंगल। समझ में आ रहा? जिस जिस का संबंध भगवान से है वो सब मुझे उसी तरह पूज्य है जिस तरह से भगवान पूज्य होते हैं। समझ में आ रहा? वैसी ही भक्ति करूंगा मैं। उदाहरण अब प्रथमान योग के उदाहरण देखा, बात समझ आ रही? नहीं आ रही? आ रही ना। भगवान ने केस लॉन्च किए, इंद्र ने क्या किया? बालों का क्या किया? रत्न पिटारे। क्यों? बाल थे ना, फेंक देते। ये कहां जुड़े रहे इतने वर्ष तक? मेरे भगवान के तन पर रहे तो जितना मेरा भगवान पूज्य है उतने ये बाल पूज्य हुआ करते हैं। समझ में आ? इनका संबंध किससे था? ये द्रव्य मंगल है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? नहीं हो रहा? ये भी मेरे लिए पुण्य में कारण है। भगवान ने वस्त्र उतारे, इंद्र कहां ले गया? फेंक देता ना, कहां ले गया? रत्न पिटारे में रखे वस्त्र क्या करता है उनका? पहनता है स्वर्ग में जाके? क्या करता? उसके पास तो दिव्य वस्त्र है, वो नहीं पहनता। और ये वस्त्र भी किसने दिए थे भगवान को? एक बात याद रखना, बड़े मजे की बात है, मार्के की बात है, जब तक भगवान को वैराग्य नहीं होता, समझ में आ रहा? जब तक भगवान को वैराग्य नहीं होता तब तक वो इंद्र के पसंद के वस्त्र पहनते हैं, और जिस दिन वैराग्य हो जाता है अपने पसंद के वस्त्र पहनते हैं, उसको छोड़ देते हैं। उन वस्त्रों का क्या करता है सौदर्म? रत्न की पेट संदूक में रखकर स्वर्ग ले जाता है। अरे तू क्यों ले जा? तू छाइक सम्यक दृष्टि एक भव अवतारी, तू दीक्षा तो लेगा नहीं, कपड़े और ले गया उनके,
है ना, ले जाता है वस्त्र आभूषण सब ले जाता है, और ले जा करके स्वर्गों में जो अकृत्रिम जिनालय हैं उनके मानस स्तंभ पे विराजमान करके जब तक वो इंद्र जीता है उन वस्त्रों की पूजा करता है। समझ में आ, ऐसे नहीं रखता कि ले जाके फेंक दिए। आपके यहाँ भी पंचकल्याणक होता है तो मूर्ति के उतरे हुए वस्त्र बोलियाँ लगती, हमें मिल जाए हमें मिल जाए। क्या करता है इंद्र, उनकी पूजा करता है। कैसे करता है, जैसे साक्षात जिन, क्योंकि उसे मालूम है ये तो मोक्ष चले जाएंगे, ये तो सिद्ध बन जाएंगे, वस्त्र तो रहेंगे ना, उन वस्त्रों की पूजा करता है। प्रथमा नियोग पढ़ो, उसकी आज भी अकृत्रिम चैत्यालय में वस्त्र, तुम सोचो वस्त्र खराब नहीं होते, सड़ता नहीं है कपड़ा, अरे वो दर्जियों का बनाया थोड़ी है, वो देवों ने बनाया था, वही तो ले जाके देते थे, कभी खराब नहीं होते, प्रेस करने की जरूरत ही नहीं, ड्राई क्लीनर्स की जरूरत ही नहीं, धोने की जरूरत, दिव्य वस्त्र, दिव्य ने देवताओं ने प्रदान किए वह वस्त्र, कभी खराब नहीं होते हैं, सदियों सदियों। जब तुम मरना और स्वर्ग जाना और वहां जब अवधि ज्ञान तुम्हें होगा, देखना मानस स्तंभ में कपड़े, तो औरंगाबाद की किला से याद आएगी, महाराज ने बताया था स्वर्ग गए तो। अब वो तुम जानो जाना नहीं जानो, है ना, वहां अवधि ज्ञान होता है, जब पहले दर्शन करोगे ना मानस स्तंभ के वस्त्र लगे हुए दिखेंगे तीर्थंकरों के, आप कहोगे अवधि ज्ञान से, अरे ये कपड़े यहाँ क्यों रखे, हाँ ये महाराज ने कोई पुलक सागर आए थे अपनी क्लास में बताया था, आज मैं धन्य हो गया उन वस्त्रों के दर्शन कर। समझ में, ये द्रव्य मंगल है, द्रव्य प्रेम है, किसी से भी चार प्रकार से प्रेम होता है, नाम से होता है और स्थापना से होता है और द्रव्य से और भाव से। समझ में, ऐसी श्रद्धा जिसकी जगती है वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। ऐसे थोड़ी कि अकेले पूजा कर ली, ज्ञान की बातें कर ली, हो गए सम्यक दृष्टि। इतनी श्रद्धा है, वस्त्रों को संभालता है इंद्र, केशों को संभालता है इंद्र, वो जब निर्वाण हो जाता है उस भस्म को स्वर्ग ले जाता है, उसको मस्तक पे लगाता है, चिताग्नि नाखून और केश इकट्ठा करके शरीर बनाता है, उसका अग्नि संस्कार करता है, और जितने असंख्यात देवी देवता हैं सब उस भस्म को लगाते हैं। समझ में आ रहा, क्यों, मुझे गम भी उनका अजीज है, ये उन्हीं की दी हुई चीज है, हे भगवान तुमसे जो जुड़ गया वो सब मेरे लिए मंगल है। समझ में आ रहा, इतनी पवित्र बात, प्रेम और भक्ति एक ही होते हैं, प्रेम साधारण इंसान से होता है और भक्ति जिनेंद्र भगवान से होती है, अंतर केवल इतना है, प्रक्रिया वही है। समझे, वही मैंने कहा ना, थोड़ा सा बदलना है, सांसारिक प्रेम को ईश्वरीय प्रेम में लगा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बदलना है थोड़ा, काम तो वही होंगे जो प्रेम में होते हैं, वही काम भक्ति में होते हैं, बस फर्क क्या होता है, प्रेम साधारण मरण धर्मा पुरुष स्त्री से होता है और अभक्ति जो होती है वो आमरण परमात्मा से हुआ करती है। ये भक्ति, तो भक्ति राग पूर्वम, भक्ति राग पूर्वक होती है। यदि एक बात बताओ, यदि द्रव्य मंगल नहीं है तो मंदिर क्यों बनाए, जिनालय को देवता बोला है ना, क्यों, जिनेंद्र को हटा के जिनालय देवता बन जाएगा, बोलो, तो जिनेंद्र क्या है, भाव है ना, जिनेंद्र को हटा के क्या अक्षर जिनवाणी बन जाएंगे, बोलो, जिनवाणी क्या है, अक्षर है, किसके मुख से निकले, वीर हिमाचल से निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है, कहां से निकली जिनवाणी, वीर हिमाचल तैन किसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है, वीर महावीर के हिमालय से निकलकर वह जिनवाणी की गंगा गौतम के गणधर के कुंठ में आ गई और वहां से हमारे पास आ गई। समझ में आ रहा, तो ये अक्षर जिनवाणी क्यों हो गए, तुम्हारे वाणी है जिनेंद्र की, आपके अक्षर है, इसलिए वह जिनवाणी भी मुझे पूज्य है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा,
कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? जिनालय जिनवाणी मूर्ति त्यक्त शरीर, जो भगवान ने शरीर का नाश कर दिया, नाखून केश इकट्ठे करके अग्नि जलाई और उनकी भस्म को मस्त। मालूम है पावापुर से भगवान को मोक्ष हुआ? तालाब है ना वहां पद्म सरोवर, तालाब से कोई मोक्ष जाता है? पानी में बैठे थे भगवान, वो उद्यान था। क्या था? पावापुर उद्याने, तालाब ने सरोवर नहीं लिखा, आगम में पढ़ो, पावापुर उद्याने, पावापुर के उद्यान में भगवान पहुंचे थे। लेकिन जब उनको मोक्ष हुआ और उनकी चिताग्नि जब जला करके भस्म बनी, देवताओं ने इतनी भस्म लगाई, इतनी भस्म लगाई, पूरे असंख्यात देवी देवताओं ने, वहां गड्ढा बन गया, गड्ढा बन गया, बरसात में वह तालाब बन गया। समझ में आ रहा क्या बन गया? वो भस्म का गड्ढा था, इतनी भस्म की एक कण भी नहीं छोड़ते देवता लोग, द्रव्य मंगल। समझ में आ रहा? वो गड्ढा बनने से पानी आ गया, पानी से क्या बन गया? लोग क्या समझते? तालाब से मोक्ष गए। वो मंदिर पहले थोड़ी, तो अभी बनाया अपन लोगों ने, भगवान के समय थोड़ी बना था, वो ब्रिज बना था पावापुर में, और वो छतरी बन, कुछ नहीं था। समझ में आ रहा? भक्तामर में पढ़ते, बुद्ध्या बिनापि विभुदार्चित पाद पीठ। क्या मतलब पढ़ते हो रोज? क्या मतलब? हे भगवान, पादपीठ, जिस सिंहासन पे आप बैठ गए हैं, उस सिंहासन को बुद्ध्या बिना पी विबुधार्चित, विबुधार्चित माने, विबुध माने देवता। देवता क्या करते हैं? उसकी अर्चना करते हैं। किसकी? जिस सिंहासन पर आप बैठे। कब तक करते हैं? तुम्हारे नहीं रहने पर भी उस सिंहासन की पूजा करते हैं। भरत जी महाराज क्या कर रहे थे? खड़ाऊ ही रखना थी तो बाजार से नहीं ले आते, राम जी की वापस क्यों मांगी? जिस पे उनने चरण रखे है ना, तभी उनका राज्य कहलाएगा, दूसरे की रख देंगे तो दूसरे का कहलाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? समझ? उनकी ही चीज चाहिए। क्लियर हो रहा है ना? अब उनकी चीज कौन कौन सी है, दिमाग लगा। जिनालय किसका? जिनेंद्र भगवान। जिनवाणी किसकी? मुनि महाराज किसके? पिचिकमंडल किसके? अष्टद्रव्य किसकी? अष्ट प्रातिहार किसके? अष्ट मंगल किसके? समोसरण किसका? उनका। इसलिए ये हमारे लिए पूज्य है। समझ में आ रहा? नहीं तो पूज्य नहीं होते। इनका संबंध आपसे नहीं होता तो हम इनको नमस्कार नहीं करते। समझ में आ रहा? निर्वाण भूमि किसकी? तीर्थंकर की। जन्म भूमि किसकी? तीर्थंकर की। 16 स्वप्न किसके लिए आए थे? इसलिए मंगल हो गए वह स्वप्न, ध्यान रखना। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? बोलो। शासन देवी देवता किसके? तुम्हारे पंडितों के हैं जी, बाग जाल करते उनके। किसके शासन देव हैं वो? इसलिए मेरे लिए वो भी सम्मान के पात्र हैं। पद्मावती धरणेन यक्षक्षिणी सब किसके पात्र हैं? सम्मान के पात्र। क्यों? किसकी शासन देवी तुम्हारी है? हैं किसकी है वो? हैं तो उनकी चीज से नफरत करोगे? मिथ्या दृष्टि हो जाओ। समझ में आ? किसकी चीज है बोलो? वो अपमान के पात्र है, मूर्खता है तुम्हारी। समझ में आ रहा? उनको मंदिरों से निकाल के फेंकोगे? मूर्खता तो है। मंगल को फेंक दो? किसके सामान है? तुम्हारे हैं, तुम्हारे पुरखों के भी नहीं है। तुम्हें अधिकार क्या है निकालने का? ये तो जिनेंद्र भगवान की वस्तुएं हैं, उनकी हैं, उनकी रखी रहे। समझ आ? कैसे निकाल सकते हो आप उनको? क्या हक है तुमको? ये तुम्हारा सामान नहीं है। ये घंटा किसका है? जिनेंद्र का। छत्र किसके? जिनेंद्र के। चंवर किसके? जिनेंद्र के। भामंडल किसका है? जिनेंद्र का। पुष्पवृष्टि किसकी है? तुम्हारे बाप की भी नहीं होगी, उनके कर्म ही ऐसे नहीं है। ये तो जिनेंद्र के कर्म ऐसे हैं कि देवता पुष्प बरसाते हैं। समझ में आ? तुम्हें बरसाएंगे, हाँ मरे में बरसाएंगे जब तुम देख नहीं पाओगे।
है ना, अब वो फूल कोई घर उठा के ले जाएगा अर्थी का है? बोलो, मुर्दों को डाल दिया फूल तो कोई उसको उठा के ले जाएगा? वो जिनेंद्र पे चढ़ा हुआ, मंगलम भगवान वीरो, समझ क्या हो गया वो, कितना अंतर है, समझ में आ रहा है? जिनेंद्र भगवान की चीजों का अपमान आप नहीं कर सकते हैं, यदि करेंगे अनंत पाप का बंध होगा, समझ में आ रहा है? उनसे जो जो भी रिलेटेड है, तुम मेरी इज्जत क्यों कर रहे हो, मेरी वजह से या जिनेंद्र के भेष की वजह से, किससे कर रहा है इज्जत? और जिस दिन ये भेष छोड़ दूं कहां बिठाओगे? वहां भी नहीं, भ्रष्ट है, बाहर डाल दो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो हमारी मूल केंद्र कौन है? तीर्थंकर भगवान। उनने कहा है कि इनको आहार दोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, यदि वो नहीं कहते तो तुम आहार भी नहीं देते। किसकी आज्ञा है, किसकी है? जिनेंद्र। उनने कहा इन मुनियों को प्रणाम करो, उनने कहा इन मुनियों की पूजा करो, इसलिए समाज करती है। यदि वो कह देते मत करना तो गला भी कटवा लेते हम, तो भी नहीं करते। किसकी आज्ञा है? जिनेंद्र भगवान। एक बात बताओ, जिससे प्रेम हो जाता है आपको, शादी हो गई, साले साली प्यारे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? रिश्तेदार है वो ही ज्यादा लगते हैं, है ना? तो हम लोग भी तो जिनेंद्र के रिश्तेदार हैं ना। किसके रिश्तेदार हैं? है, इसलिए तो पूज रहे हो, नहीं तो क्यों पूजोगे? समझ में आ रहा? चारों मंगल समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? द्रव्य ए नाम, तेरे नाम से भी प्यार है, वो तुम्हारा है। सबसे बड़ा निक्षेप, सबसे बड़ा मंगल कोई होता है तो द्रव्य निक्षेप। तत्वार्थ सूत्र में भी कहा, द्रव्य निक्षेप से बड़ा कुछ नहीं होता। जो जो जिनेंद्र से रिलेटेड हैं, उस देखना रखना कि वह जिनेंद्र से रिलेटेड चीज यदि वो आकार किसी कागज पे भी बन जाए तो मेरे लिए वह पूज्य हो जाता है। समझ में आ रहा? किसका है? जिनेंद्र भगवान। भूमि पूजी जा रही है, सब में शिखर क्या है? पहाड़ है, एक इंद्री है, उसको नमस्कार करते हो। क्यों करते हो? पहाड़ की वजह से नहीं। किसकी वजह से? शिखर समेत शिखर सुखदाई, बीस तीर्थंकर मुक्ति है पाई। समझ में आ रहा? वह श्री समेत शिखर सुखदाई, बीस तीर्थंकर मुक्ति है पाई। समझ में आ रहा? वो तीर्थंकरों के कारण क्या पूजा जा रहा है? पहाड़ पूजा जा रहा है। समझ में आ रहा? वो तीर्थंकरों के कारण मंदिर की मूर्ति पूजी जा रही है। तीर्थंकर नहीं होते तो मूर्ति कौन पूजता? समझ में आ रहा? स्थापना निक्षेप की पूजा कौन करता? कोई नहीं करता। मुझे लगता है कि शायद विषय क्लियर हो गया है। गंधोदक पूज्य है कि अपूज्य? क्यों? किससे रिलेटेड हो गया? और जब तक मूर्ति पे नहीं डाला, दो कटोरे होते ना, एक से हाथ धोया जाता है, एक को मस्तक पे रखा जाता है। मस्तक पे किसे रखा जाता है? जो जिनेंद्र को छू लेता है। समझ में आ रहा? वो हाथ किससे धोया जाता है? जिसने छुआ नहीं है। ध्यान रखना, जो जिनेंद्र को नहीं छुएगा वो हाथ धोने के काम आएगा, और जो जिनेंद्र को छुएगा वो मस्तक पे बैठ जाएगा। समझ में आ? दो कटोरे होते ना, हाथ धोते ना, हाथ धो के यूं कर देते हो, गंधोदक यूं करते हो क्या? नहीं, उसका काय से संबंध बन गया, तीर्थंकर से। चंदन घिसा रखा है, कोई काम का नहीं है। जब वो उनके नाखून में लग जाता है तो मेरे लिए पूज्य हो जाया करता है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? काय से संबंध होना चाहिए। किससे संबंध होना चाहिए? जिनेंद्र भगवान से। हे जिनेंद्र, भाव निक्षेप यदि आप साक्षात नहीं होते तो इस पंचम काल में आपकी किसी भी चीज की पूजा नहीं होती। होती क्या? आपके नाम की भी पूजा नहीं होती, आपके द्रव्य की भी पूजा नहीं होती, आपके स्थापना की भी पूजा नहीं होती। ये मत पूजे मूर्ति पूजा व्यर्थ है, नहीं, नादानी है। ध्यान रखना, ये मूर्ति किसकी है? ध्यान रखना, जो है वह पूज्य नहीं है, जिसकी है इसलिए पूज्य है। समझ गए? पत्थर नहीं पूजा जाता है, जब वो उनसे संबंध बना लेता है तो वह पत्थर भी
पूजा जाता है। मूर्तियों का विरोध नहीं करना, मूर्तियों को नमस्कार करना। समझ में आ रहा? कहीं कोई मूर्ति स्थापित कर रही है, तुम्हारी छाती में आग ही नहीं लगना चाहिए। क्यों दे रहे हैं? मूर्तियों में क्या रखा? मंदिर क्यों बना रहे? तीर्थ क्यों? तेरी छाती में क्या हो रहा है? तू अपने बोले इतने सारे मंदिर हैं, क्या जरूरत है? तुम्हारा बाप भी एक घर दे गया था, 10 क्यों बनाए? दे गया था कि नहीं? फिर 4 घर की क्या जरूरत पड़ गई? बोले परिवार बढ़ गया। अरे मेरी समाज बढ़ गई तो मंदिर बढ़ गए, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत क्या है? समाज बढ़ेगी तो मंदिर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। समझ में आ रहा? क्या ये चाहते हो कि जहाँ 200 घर की समाज हो और वहाँ जिनालय नहीं हो? धिक्कार उस श्रावक को, अपने कोठियाँ बनाए और जिनालय नहीं बनाए, वो तो जैन होने के लायक नहीं हुआ करता है। जिनालय तो चाहिए। समझ में क्लियर हो रही है बात? या तो आपको उससे प्यार नहीं है भगवान से। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ईश्वर से प्यार है तो उसकी हर वस्तु से प्यार होगा या नहीं? गंधोदक से भी होगा, पुष्प वृष्टि से भी होगा, तेरी हारती जो अग्नि उतार देती है उसे भी हम मस्तक पे चढ़ा लेते हैं। समझ में आ रहा? किससे संबंध है उसका? जिनेंद्र भगवान से। कमंडल पूज्य है कि अपूज्य है? क्यों? एक कमंडल ले आओ नया और घर में रख लो, पूज्य होगा? कब होगा? जब किसके हाथ में जाएगा? मोरपंख तो बाजार में भी मिलते हैं, बना लो पिच्छी और रख लो, पूज्य होगी? कौन सी होगी? जिसको मुनि ने ले लिया हाथ। समझ में आ रहा? और ये मुनि के हाथ से पूज्य क्यों हो गई? क्योंकि मुनि को रखने का आदेश किसने दिया? जिनेंद्र भगवान। समझ में आ रहा? हम किसके उपासक हैं? जिनेंद्र के। इसलिए हम क्या हैं? जैन हैं। तो केवल उपासना करोगे या उससे प्रेम भी करोगे, भक्ति भी करोगे? भक्ति करोगे ना। उदक चंदन तंदुल भव भव में एक रुबल हम तेरे ही। क्यों रहे? क्योंकि हे गुरुदेव, आप लोग किसकी प्राप्त? हम तुम्हारी। जिस पर जिनेंद्र भगवान बैठेंगे उस पर श्री लिखता हूं मैं। समझ में आ रहा? एक एक चीज का अर्थ है, सबका लॉजिक है। ये सब चीजें व्यर्थ नहीं है। ये क्या करती हैं? मेरे पापों को गला देती है, नष्ट करती हैं। इसलिए इन्हें मंगल कहा जाता है। मूर्ति मंगल है, ध्यान रखना। मूर्ति के अपमान से क्या दशा होती है? 2-3 बातें बता देता हूँ। उदाहरण, रानी कनकोदरी थी और उसकी एक सौत थी। सौतन जानते हो? सौतन जानते हो? नहीं बोलो। सेकंड बीबी, सबसे बड़ा दुख। समझ में आ? उसकी सेकंड एक सौतन थी लक्ष्मीमती। वो जिन भक्त थी, जिनेंद्र की स्थापना की पूजा करती थी, उसके घर में चैत्यालय बना रखा था उसने। और कनकोदरी जो थी अन्यमती थी। वो अन्यमती क्या? वो तो धार्मिक थी नहीं, दुष्ट थी, है ना? तो लक्ष्मीमती क्या थी? वो जिनेंद्र भगवान को पूजती थी। लेकिन इसको क्या था? रानी को, कनकोदरी को उससे ईर्ष्या थी, क्योंकि रात दिन पूजा करती रहती है, अभिषेक करती रहती है, नैवेद्य चढ़ाती रहती है, भगवान की भक्ति करती रहती है, सब लोग इसकी इज्जत करते हैं, वो तो धर्म करती नहीं थी। तो उसने क्या किया? रात दिन इसी में लगी है। तो कनकोदरी ने क्या किया? मूर्ति को उठाया और एक बावड़ी में छिपा दिया। ये ना रहेगा बांस ना बजेगी। चैत्यालय से मूर्ति उठाई और पानी में छिपा दी। वहां पर एक संयम श्री आरिका आई। उन्होंने कनकोदरी ने उनके दर्शन किए, ले गए राजा, गए तो वो भी चली गई। तो माता जी ने कहा कि तू पटरानी होकर ऐसा निकृष्ट काम करती है, जानती है इसका फल क्या होगा, इसकी सजा क्या मिलेगी? बोले क्या मिलेगी? पत्थर की मूर्ति है। बोले देख, इसका भयंकर दुष्परिणाम होगा जो मैं अपनी वाणी से वर्णन नहीं कर सकती हूं। तुझे महापाप लगेगा, अधोगति होगी। घबरा गई वो तो बोले क्या करूं माता जी? बोले
मूर्ति लेकर आ गई, बावड़ी से मूर्ति निकाल कर लाई, उसकी पूजा अर्चना की, माफ़ी मांगी, प्रायश्चित लिया। 22 घड़ी लक्ष्मी मती रोती रही, मेरे भगवान कहाँ गए, मेरी प्रतिमा कहाँ गई, रोती रही। उसका फल ये मिला कि ये कनकोदरी मर करके अंजना होती है। क्या होती है? हनुमान जी की मम्मी है ना। 22 वर्ष वियोग रहा पति से। कितने देर छिपाई थी मूर्ति? 22 घड़ी। फल क्या मिला? 22 वर्ष वियोग। पवनन जय ने त्याग कर दिया था, समझ में आ रहा? जंगल जंगल भटकी, जंगल में हनुमान हुए। पास में ही ना तुम्हारी अंजनगिरी है ना वहीं जन्म हुआ। 22 वर्ष एक मूर्ति से। आप मूर्ति को ऐसे ही नहीं समझो व्यर्थ, ये मूर्ति स्थापना निक्षेप से जिनेन्द्र भगवान है। इसका अपमान करने वाला अनंत दुख को प्राप्त करता है, समझे? राम रावण का युद्ध चल रहा था, दूसरी घटना। और जब राम रावण का युद्ध चला तो अष्टानी का पर्व आ गया, राम और रावण दोनों सम्यक दृष्टि थे, जिन भक्त तो थे। रावण ने कहा कि अब युद्ध बंद करते हैं, अष्टानी का पर्व आ गया, 8 दिन तक युद्ध नहीं करेंगे। राम भी, आई एम एग्री, मैं भी भक्ति करूंगा, तुम भी भक्ति करो। रावण के महल में शांतिनाथ भगवान का जिनालय था। 8 दिन तक एकासन से बैठा, एकासन, भोजन नहीं खाया ही नहीं 8 दिन। अच्छाई आती ना अष्टानी का। एक आसन से बैठा, भगवान के चरणों में शिश रखा, सिर उठाया ही नहीं। बोले उठाने का मन ही नहीं करता मेरा। जो पंचांग नमस्कार किया, रावण 8 दिन नहीं उठा। कितनी भक्ति थी शांतिनाथ भगवान, अपने आप ही कौन से हैं? 8 दिन तक सिर ऐसा ही रहा रावण का। बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई उसको, न खाया न पिया, कुछ नहीं किया, बस सिर नहीं उठ रहा मेरा तेरे पास से। जिनेन्द्र भगवान की भक्ति में ऐसा डूबता था, ऐसा डूबता था, बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई। इसलिए युद्ध में बहुत रूप तू धारण कर सकता है, समझ में आ रहा? किसकी वजह से? तुम कहते ना हमको कुछ नहीं आता, हमको पाठ नहीं आता, तुम मूर्ति को बस झुके रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, समझ में? मूर्ति को प्रणाम कर, जहां भी जिनालय मिले नमस्तुभ्यम। ध्यान रखना, आचार्य कहते हैं भगवान को नमस्कार करने से, अकेले नमस्कार करने से, नमनसामि, ध्यान रखना, अकेला जो बिना ज्ञान के भी मूर्ति को प्रणाम करता है, असंख्यात कर्मों की निर्जरा करता है, इतना मूर्ति का प्रभाव होता है। केवल नमस्कार, तत्व की बातें आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल क्या करना है? नमस्कार। एक नमस्कार जीवन का उद्धार कर देता है। बहुत सी कहानियां हैं आगम में, आप देखोगे। अभी पंचम काल में 8वीं-9वीं सदी में धनंजय सेठ हुए, उनके बच्चे को सांप ने काट लिया। पूजा कर रहे मूर्ति के सामने खड़े होकर के, पत्नी लाई, ये मर गया, नहीं देख रहे भक्ति में, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति में डूब गए। और उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे बच्चे को सही कर दे, बोले भगवान वैसे ही मेरी पत्नी की तुझ पे श्रद्धा नहीं है, और ये मर गया तो और श्रद्धा टूट जाएगी, तू श्रद्धा बचा, जहरीला विशापाहार स्त्रोत रचा, जहर उतर के बच्चा उठ के बैठ गया। ये क्या है? ये मूर्ति का महत्व है। आपसे निवेदन है, आप रोज मंदिर, क्यों कहा जाता अपने शास्त्रों में, रोज मंदिर जाओ, रोज मंदिर जाओ, केवल प्रणाम कर लो, बस कुछ नहीं आता, अरहंत शरणम पवज्जामि, बस इतना कर लो, तुम्हारे पाप कर्म नाश। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप, पाप का नाश हो जाएगा, कुछ तत्व ज्ञान नहीं तो भी हो जाएगा, ध्यान रखना। केवल दर्शन करने से, फिर मंदिर जाने से क्यों डरते हो? आचार्य से पूछा एक ग्रंथ में, ये अचेतन मूर्ति क्या चेतन के पापों का नाश कर देगी? पाप तो चेतन करता है, मूर्ति तो कैसी है?
ये उसके पाप का नाश कर देगी। आचार्य ने कहा बिल्कुल कर देगी, शास्त्रों में पढ़ो धवला आदि ग्रंथों, उन्होंने कहा बिल्कुल नाश कर देगी। बोले कैसे कर देगी? बोले देखो, बीमारी चेतन को होती है, दवाई अचेतन होती है। दवाई कैसी होती है? किसका बुखार उतारती है? साता किसको देती है? सुख किसको देती है? दवाई जिंदा है या जड़ है, पुद्गल है, अजीब है ना, किसको पीड़ा हर रही है वो? अरे जब एक छोटी सी गोली तुम्हारा पीड़ा हर लेती है तो मेरे जिनेंद्र भगवान की अचेतन मूर्ति पापों को क्यों नहीं हर सकती है? हर दिया करती, दवाई भी तो छोटी होती है ना, समझ में आ रहा है? अचेतन भी चेतन के भाव बदल दिया करती है। भोजन कैसा है? भोजन कैसा है? चेतन अचेतन? अचेतन है। भूख किसकी शांत करता है? किसकी करता है? नहीं दें तो कल 12 बज गए थे ना, मुंह लटक गए थे, हमारे ही लटक गया था, दुनिया का तो छोड़ो। बोले प्रवचन कर, चुप कर उदगल्ला, समझ में आ रहा? तो वो अजीव पदार्थ तुम्हें क्या देता है? सुख देता है ना, थोड़ी देर का सुख देता है, क्षुधा का समन करता है। कौन करता है? भोजन। भोजन अजीव है, तुम जीव हो। साता किसको मिलती है? शरीर को या तुमको? किससे मिली? भोजन से। प्यास में तड़प रहे हो, पानी अचेतन है, किसकी तृप्ति करता है? चेतन की। वैसे ही मैं चेतन हूं, मूर्ति अचेतन है, लेकिन मेरे पापों का नाश कर देती है। ये होता है स्थापना निश्चय। नहीं और सरल तुम्हारे उदाहरण दूं? बोलो, प्रेमिका दिन भर तो मिलेगी नहीं, फोटो बड़ा सुकून देती है, नहीं तो मोबाइल में क्यों डाल के रखते? तेरी फोटो सेंड करना, करते। तू नहीं आ रही तो फोटो तो सेंड कर सकती है ना, मैं फोटो से ही बातें कर लूंगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? फोटो चेतन है कि अचेतन? किसको सुख दे रही है? अरे जब दो कौड़ी की लड़की की फोटो सुख दे सकती है तो मेरे भगवान की मूर्ति सुख कैसे नहीं दे सकती? क्यों नहीं देगी? है? तीर्थंकर की मूर्ति है, ये सुख नहीं देगी तुमको? इतना विश्वास रखो, रोज मंदिर जाया करो, समझ में? जब भी वक्त मिले, सुबह शाम जब भी मिले, हे जिनेंद्र तेरी मूर्ति को नमस्कार करने में मंदिर जरूर आऊंगा। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? मंगल समझ में आए? कौन कौन से? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये सब मंगल हैं। अब अंतिम बात करके समाप्त करते हैं। एक बात, एक शब्द आया है, अपना विषय कहाँ से शुरू हुआ था? भगवान कुछ देते हैं क्या? ऐसे देते हैं, समझ में आ रहा? देते हैं नहीं? एक बात याद रखना, यदि आपने मूर्ति के सामने, स्थापना निश्चय के सामने आप तपस्या कर रहे, ध्यान कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो पुण्य लग रहा कि पाप? कर्मों का नाश हो रहा कि बंद? क्यों हो रहा? तुम तो अपने कर्म से कर रहे, मूर्ति क्या कर रही? मूर्ति तो बैठी है, भक्ति तो तुम अपनी कर रहे हो, हैं? मूर्ति कुछ कर रही है या नहीं? बोलो, नहीं कर रही ना? तो फिर एक काम करें, भगवान की हटा के पत्नी की रख दें, फेलो माला, करो जाप, करो ध्यान, पुण्य मिलेगा पाप? बोलो क्या बदला? नहीं, क्या बदल दी मैंने? मूर्ति बदल दी, समझ में आ रहा? मूर्ति बदलने से आश्रव बदल जाएगा, ध्यान रखना है। यदि यही कुदेवों की मूर्ति रख दी जाए तो मिथ्यात् का बंद होगा, और यही जिनेंद्र की रख दी जाए तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा? क्या बदला? भाव वही है, माला वही है, जाप वही है, श्रद्धा वही, अभिषेक भी वही है, वही आप पंचामृत अभिषेक कर रहे हैं। यदि मैं मूर्ति बदल दूं तो बोलो सम्यक तो मिथ्या हो जाएगा या नहीं है? हो जाएगा ना कि नहीं होगा? ये मूर्ति का प्रभाव है। नहीं आ रहा?
स्थापना निक्षेप, समझ में आ रहा ना? लेकिन स्थापना निक्षेप वो होती है जिस मूर्ति पर प्रतिष्ठा की जाती है, समझ में आ रहा? आगे का कल का विषय और लेंगे, कल अपना पूरा देव दर्शन समाप्त हो जाएगा, लेकिन मेरी बातें तुम्हारे बहुत काम आएंगी। उनको जिन शरणम मीडिया को संजो के रखो। देखिए, इस बार पूरा देश 75वीं आजादी मना रहा है, जश्न मना रहा है, सारा देश इस बार अमृत महोत्सव मना रहा है। हम भी उस देश के वासी हैं, मुझे इस देश से भी प्यार है। क्यों है? क्योंकि यहां मेरे तीर्थंकर का जन्म हुआ है, धर्म बन गया, राष्ट्रभक्ति भी हो गई, धर्म भक्ति भी हो गई। मुझे इस देश से प्यार है क्योंकि इस देश का नाम मेरे ऋषभ पुत्र भरत से भारत पड़ा हुआ है, इसलिए मेरे इस देश से प्यार है, इस क्षेत्र से प्यार है, इस वतन से प्यार है। मुझे पड़ोसियों के वतन से प्यार नहीं, अपने हिंदुस्तान से प्यार है, ध्यान रखना। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा पूरी दुनिया में, तिरंगा लहराया जाएगा, पूरा देश तिरंगा में रंग जाएगा। तो क्या आप और हम बैठ करके इस वतन की द्रव्य निक्षेप से वंदना नहीं कर सकते हैं? हम भी करेंगे, ध्यान रखना। ये जो ज्ञान गंगा महोत्सव होने जा रहा है, देश के लिए समर्पित होगा, राष्ट्र के लिए समर्पित होगा। एक बात याद रखना, देश है तो धर्म है, और धर्म है तो इंसान है, ध्यान रखना। सबसे महत्वपूर्ण देश हुआ करता है पूरा देश, आज़ादी की 75वीं जयंती मना रहा है, ध्यान रखना। अमृत महोत्सव मना रहा है। हम औरंगाबाद में भी ऐसी मिसाल कायम करें कि जैनी लोग यदि देश को भी पूजते हैं, ध्यान रखना, तो इसलिए नहीं पूजते कि ये रोटी देता है, अनाज देता है, हमें मकान देता है। हम इसलिए पूजते हैं, ये हमें तीर्थंकर प्रदान किया करता है। ये वो देश है जो संत मुनि प्रदान किए जाते हैं। आए हम सब मिलकर के द्रव्य निक्षेप से इस देश का बहुमान करेंगे, द्रव्य निक्षेप से इस देश का सम्मान करेंगे। ये धर्म है, अधर्म नहीं है, ध्यान। ये लौकिक बात नहीं है, पारलौकिक बातें हैं। तो हम बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पर राष्ट्रभक्ति के लिए करने जा रहे हैं। हमारी टीम, हमारे कार्यकर्ता उसको अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। जो ज्ञान गंगा महोत्सव होगा, ये देश के लिए समर्पित होगा, राष्ट्र के लिए समर्पित होगा, अपने वतन के लिए समर्पित होगा। आए हम अपने वतन के होकर के रहें, ध्यान रखना। अपना वतन है तो सम्मेत शिखर है, अपना वतन है तो गिरनार है, अपना वतन है तो जिनालय है, अपना वतन है तो अयोध्या है, अपना वतन है तो ध्यान रखना सारे मंदिर तीर्थ हैं, काशी है, वृंदावन है, ध्यान रखना। अपना वतन है, इसलिए वतन ना रहेगा तो ये भी ना रहेंगे, और ये भी ना रहेंगे तो आप कहां रहेंगे और हम कहां रहेंगे, ध्यान रखिए। आए आजादी का जश्न मनाएं, सब तिरंगा रंग में रंग जाएं। 15 अगस्त इस बार का ऐसा होना चाहिए जैसे किसी पंच कल्याणक महोत्सव जैसा हुआ करता है। ऐसा आयोजन हम यहां पर करेंगे, आप सब जुड़ेंगे। आपसे निवेदन है, 21 दिन की ज्ञान गंगा महोत्सव, इसे सार्थक और सफल बनाएं। आपको कुछ नहीं करना है, पंडाल में आके बैठना है, जो कुछ करना है मुझे करना है। ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को क्या करना है, जो कुछ करना है वो डॉक्टर को करना है, समझ में आ रहा? तो आप तो आ जाइए, रिश्तेदारों को लाइए, परिचितों को लाइए, बुला के लाइए। केवल 21 दिन, केवल 21 दिन, ध्यान रखिए। अपन विविध विषयों पर चर्चा करेंगे। तो पूरा देश जब आज़ादी मनाएगा, मैं कह सकता हूँ कि मेरा भारत मेरा गौरव है, मेरा राष्ट्र मेरा गौरव है, मेरा वतन मेरा गौरव है। और जिस देश में रहकर हम हवा, पानी, मिट्टी और सांस लिया करते हैं, उस देश के लिए समर्पण का दिन आ रहा है। पूरा देश आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहा है। आए हम शामिल हों। अपने जन्मदिन से बढ़कर देश का जन्मदिन होता है, और अपनी आज़ादी से बढ़कर देश की आज़ादी हुआ करती है, उसे हम महान बनाएंगे। पूरे देश में चल रहा है, कैसे हमें उसे अंजाम देना है, हम सब बातें करेंगे। साथ आपको देना है और निर्देश मैं देता रहूँगा। मेरा काम केवल निर्देश देना है, समझ में आ रहा? करना आपका काम है। देखना 15 अगस्त की कैसी धूम औरंगाबाद से मने, और पूरे विश्व तक इसकी आवाज़ यहाँ से जाना चाहिए। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। जय महावीर। जावाणी के ज्ञान से